अगर आप उसको कर लेते हैं अच्छे से तो आप डेफिनेटली 8 से 10 लाख की कंपनी फोड़ सकते हैं। तो हे गाइस, दिस ऋषि के शर्मा। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट रोड मैप फॉर अ ड्रीम प्लेसमेंट। तो इस वीडियो में हम पूरा एक रोड मैप देखेंगे कि कंपनी को क्रैक करने के लिए, प्लेसमेंट के लिए किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए और किस लाइन से उसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम कम इजीली कंपनी को क्रैक कर सकें। तो मैंने पूरा पीपीटी बनाया हूँ, अभी मैं उसको आपको शेयर करूँगा और उसको पॉइंट वाइज उसको हम देखेंगे। सो अगर आप इस पीपीटी को कर लेते हैं, और जैसे मैं इसके बाद वीडियोस भी अपलोड करूँगा जिसमें नोट्स रहेंगे, एप्टीट्यूड रहेंगे, सब कुछ रहेंगे जो मैं आज रोड मैप में बताऊँगा, अगर आप उसको कर लेते हैं अच्छे से तो आप डेफिनेटली 8 से 10 लाख की कंपनी फोड़ सकते हैं या फिर उसको क्रैक कर सकते हैं। मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या रहता है कि उसमें कोडिंग की जो स्किल है वो हार्ड होनी चाहिए, कम से कम 400 से 500 कोडिंग प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम पढ़ के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सॉल्व नहीं कर सकते या फिर उठा नहीं सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और सर्विस बेस्ड कंपनी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, बस सर्विस बेस्ड कंपनी में वो थोड़े से कोडिंग स्किल देखते हैं और बाकी एप्टीट्यूड और फिर कम्युनिकेशन का देख लेते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोडिंग इज द मस्ट, और वो भी हाई लेवल की कोडिंग आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का भी मैं रोड मैप बनाऊंगा, पर आज का वीडियो सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए, TCS सेंटर में बताऊंगा कौन सी कंपनी के लिए है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैं नोट्स शेयर करता हूँ, जो भी डाउट रहते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ। स्टूडेंट के जो अभी अपकमिंग बैचेस हैं, कंपनी आ रही है प्लेसमेंट के लिए, वो वहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मैं वहाँ डाउट करता हूँ। तो आपको भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, या फिर आपको भी नोट्स चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए मैं अपना भी पीपीटी प्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पीपीटी ओपन कर देता हूँ। सो दिस इज़ आवर पीपीटी रोड मैप फॉर ड्रीम प्लेसमेंट। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। यस, परफेक्ट। देन सिलेक्ट द पेंसिल ब्लैक कलर। ओके, तो जैसा कि आप मैंने पहले बताया और आपने थंबनेल में देखा होगा कि रोड मैप फॉर प्लेसमेंट, तो यहाँ मैंने आपको एक वर्ड दिख रहा होगा कि ड्रीम प्लेसमेंट। तो ड्रीम प्लेसमेंट उनके लिए है जो सर्विस बेस्ड कंपनी से TCS, इंफोसिस, कैपजेमिनी, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है स्पेशली फॉर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा TCS, इंफोसिस, विप्रो, HCL, एसेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, टूडी, ITC, हरमन, इंफोसिस और मैनी सर्विस बेस्ड कंपनी। ये जो मेन मेरा पीपीटी है, जो रोड मैप है, मेनली फोकस है सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए। इसी में से इसमें मैंने अप्लाई किया है, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी अप्लाई किया है। जो Tier 3 कॉलेज रहती है, Tier 3 उससे लोअर कॉलेज रहते हैं, उनमें मेनली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जाती है। आपको ऑफ कैंपस के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, तो उस कॉलेज में सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पीपीटी तैयार किया है, और मैंने भी इस जो भी मैंने कंपनी नेचर का इस सब में मैंने अप्लाई किया है। कुछ में सिलेक्ट हुआ हूँ, कुछ में रिजेक्ट हुआ हूँ, तो उसका मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने वो एप्टीट्यूड, कोडिंग, पूरे रोड मैप क्वेश्चन वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी भी आप फोड़ सकते हैं कि मैंने बताया, उसके लिए आपको कोडिंग स्किल थोड़े एडवांस आनी चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी के। तो ये रोड मैप है पूरा, इसमें मतलब यहाँ पे मैंने पूरे कंपनीज के नाम लिखे हैं, और ये तो आपको पता है मेन चीज, कर दो सब्सक्राइब इसी नाम पे। देन हमारे जो लेआउट है कि हम इस पीपीटी में पूरा क्या क्या देखेंगे, उसका एक लेआउट है। तो ये हमारा रोड मैप। देन पहले हम बात करेंगे रिज्यूमे की, जो मेन फैक्टर है। हमेशा रिज्यूमे पहले शॉर्टलिस्ट होता है। देन अगर रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट होता है, तब आप वहाँ से जाते हैं एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड आपका फर्स्ट राउंड एज अ असेसमेंट का फर्स्ट राउंड होता है। देन इसको अगर आप क्लियर करते हैं, तो देन आप कोडिंग पे, अगर अदरवाइज आप यहीं से ही बाहर हो जाते हैं। देन कोडिंग के बाद यहाँ पे मैंने नोट सब्जेक्ट लिखा है। आप कोडिंग के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू पे जाते हैं। कई बार वन स्टेज में कोडिंग रहती है, दो स्टेज में कोडिंग रहती है, लेकिन अगर मोस्टली पहले तो एप्टीट्यूड होता है, देन कोडिंग, देन डायरेक्ट इंटरव्यू। मैंने नोट सब्जेक्ट क्यों ऐड किया है, अभी मैं पीपीटी में बताऊंगा। और नोट्स मेन है क्योंकि आपने जो 4 साल पढ़ा है कंप्यूटर साइंस या अभी कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, आपकी ब्रांच से रिलेटेड है, तो उस सब्जेक्ट का, उस ब्रांच से आप उस सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं है, इसलिए ये नोट्स और ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम पूरे पांचों जो पॉइंट है कवर करेंगे। तो फर्स्ट,
पहले बात करते हैं हम रिज्यूमे की, जो मेन इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा डिटेल वीडियो, रिज्यूमे कैसा रहना चाहिए, रिज्यूमे में कैसे दिखने चाहिए, स्किल क्या क्या रहना चाहिए, प्रोजेक्ट कितने रहने चाहिए, वो सब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया है। पूरा अपना रिज्यूमे भी शेयर किया था, स्क्रीन शेयर किया था, सब उसमें गलतियाँ बताई थी। उसमें गूगल फॉर्म दिया था, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भरिए, या फिर वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए, उसके बाद आके वीडियो देखिए। तो पहले रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है, जैसे मैंने बताया, रिज्यूमे आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। देन उसमें रिज्यूमे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, जो फिर बता रहा हूँ, कि उसमें मस्ट दो चीज़ रहना चाहिए। एक तो आपकी स्किल रहना चाहिए, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं मेनली कंप्यूटर साइंस का बता रहा हूँ। आप कोई भी वन या फिर दो, कम से कम एक या दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहना चाहिए, सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन, जो आपको आती है, कम से कम दो रहनी चाहिए। ये मैंने, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के तुम स्टूडेंट हो क्यों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही तो पता चलेगा कि यहाँ कंप्यूटर साइंस को। देन आपको स्किल आती है, स्किल में आपने डाल दिया, उसमें आप सब्जेक्ट का भी डाल सकते हैं नॉलेज, C++ के सब्जेक्ट, ऑब्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, DBMS, इसका वीडियो में बताऊंगा। देन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो कम से कम भाई साहब दो तो रहना ही चाहिए। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर आपने इंटर्नशिप की है, अगर आपने इंटर्नशिप की है फर्स्ट और सेकंड, वन प्रोजेक्ट एड इन रिज्यूमे अगर है तो सफिशियंट है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है, आप आगे वाले राउंड के लिए क्रैक कर सकते हैं। एप्टीट्यूड राउंड का असेसमेंट लिंक आपको आ सकता है। तो ये रिज्यूमे की मेन है, स्किल और प्रोजेक्ट तो रहना ही चाहिए। देन हम बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देन एप्टीट्यूड, अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, बहुत सारी कंपनी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, TCS, इन्फोसिस, HCLVPro, इसमें आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। डायरेक्ट रिज्यूमे ये फॉर्म में अपलोड करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में, और डायरेक्ट आपको फिर असेसमेंट का लिंक आता है। और बहुत सारी कंपनी जिसमें आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, और थोड़े बड़ी कंपनी रहती है, जैसे डेलॉइट, इसमें कोग्निजेंट में, कभी कभी जब ज्यादा वैकेंसी आ जाती है इनके पास, तब ये रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड, देन अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, देन हम जाते हैं एप्टीट्यूड पे। पहला राउंड आपका एप्टीट्यूड होगा, सर्विस बेस्ड कंपनी में ये पक्का है कि आपका एप्टीट्यूड राउंड होगा, बिना एप्टीट्यूड राउंड के आप आगे नहीं जा सकते। कई बार ऐसा होता है कि एप्टीट्यूड राउंड और कोडिंग राउंड साथ में हो जाते हैं, पहले हम एप्टीट्यूड की बात करेंगे। और जब एप्टीट्यूड का बात आता है, तो ये तीनों चीज एप्टीट्यूड को बोलते हैं। तीनों को अगर हम जोड़ दें, न्यूमेरिकल प्लस वर्बल प्लस लॉजिकल, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो ये पूरा बनता है हमारा एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल में सेक्शन आते हैं जो नंबर से रहते हैं, अलजेब्रा, टाइम्स, टाइम्स एंड स्पीड, वो डे एंड वर्क का, पाइप एंड सिस्टम, बहुत सारे हैं, परसेंटेज, हाइट। इसका वीडियो, इसके बाद वाला वीडियो इसी के टॉपिक पे है, एप्टीट्यूड सिलेबस में, वो वीडियो मिस मत करिए। मैंने टॉपिक के साइड में लिंक भी दिया है कि जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कहीं जाने के लिए वो पीडीएफ उठाया, मैंने पीडीएफ बनाया, वो पीडीएफ उठाइए, वहां पे मैंने लिंक दिया है, क्लिक करिए उसको, डायरेक्ट वो वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। देन उसमें मैंने तीनों दिए, न्यूमेरिकल भी ऐड किया है, वर्बल भी ऐड किया है, और लॉजिकल भी ऐड, तीनों के क्वेश्चन ऐड किए हैं, टॉपिक ऐड किए हैं, आप वहां से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड, कोडिंग, हर कंपनी में हर एक राउंड इलिमिनेशन राउंड होता है, एक्सेप्ट कभी कभी कंपनी में नहीं होता है, और एप्टीट्यूड और कोडिंग कभी कभी साथ में होते हैं। कभी अगर एप्टीट्यूड हुआ तुम्हारा, एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग साथ में होता है, तो कोडिंग के क्वेश्चन दो या तीन आएंगे, कम से कम दो, कभी कभी छः या सात आ जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एप्टीट्यूड हुआ, तो एप्टीट्यूड तो पहले होगा, और कोडिंग के क्वेश्चन अगर बाद में हुए तो वो चार से पांच क्वेश्चन आएंगे फिर। तो अगर इसमें कोडिंग की बात करें, तो इसका मैंने आपको पहले बोला था कि इसके 50 टॉप कोडिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। इसकी 15 टॉप कोडिंग क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ बना लिया है, अब बस एप्टीट्यूड के बाद इसी के टॉपिक पे वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, जिससे आपकी वीडियो मिस ना हो।
तो कोडिंग में क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए आपको बहुत कम से कम 450 या फिर 500 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें आप डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ, ट्री, सब कुछ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के पूरे कॉन्सेप्ट इसमें आने चाहिए आपको, तब जाके आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फोड़ सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। और सर्विस बेस्ड कंपनी तो मैंने आपको बताया, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में सिर्फ आपको वो 50 क्वेश्चन करने हैं जो मैं आने वाले वीडियो में अपलोड करूंगा बस। और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि अगर वह 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू से शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और जब मैं ये बात पूरी कर रहा हूँ एप्टीट्यूड की और कोडिंग की, जो पूरे नोट्स हैं, और अगर आप ये कर लेते हैं तो बढ़िया 8 से 10 लाख तक की कंपनी फोड़ सकते हैं। अगले साइड पे जाते हैं हम। सो अपना स्टेप फोर्थ है नोट्स एंड सब्जेक्ट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट स्टेज है प्लेसमेंट लेने के लिए। क्यों? देखिए, जब नोट्स और सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो नोट्स तो आप सब्जेक्ट के ही नोट्स रहते हैं, और सब्जेक्ट की बात करें तो हमने इंजीनियरिंग में, 4 साल के इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, और डिप कोई प्रोग्रामिंग हो गया, जैसे कोई भी ले लो, कोई भी प्रोग्राम, सी और जावा, इस यही रिलेटेड हम पढ़ते हैं। और इसी के नोट्स और सब्जेक्ट के टॉपिक हम बनाते हैं, और इसी के सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोडिंग में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं। तो इसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं सब नोट्स बना के रखे हैं जो मैंने अप्लाई किए थे, जो मैं जिससे मैं पढ़ता था। बिना नोट्स के आप, अगर आप सोचेंगे कोई हमें नोट्स प्रोवाइड कर दे, हाँ वो ये हो सकता है कि अगर मैं आपको नोट्स दूँ, आप इसको नोट्स अगर बना के करते हैं तो इजीली होगा, लेकिन ये नहीं कि कोई आए कॉलेज में हमको पढ़ाए, कोई PDF दे दे, रट्टू कोई हमको बना बनाया आयता दे दे तो हम उसको कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, तो आपके दिमाग में ये बात फिट नहीं होगी और आपको याद नहीं होगा। बना चुका हूँ, और मैंने भी नोट्स बनाए थे कि मैं फ्यूचर के लिए, अपने जूनियर के लिए भी अपलोड करूंगा, इसलिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो उसके लिए अगर आपको नोट चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, उनको जो डाउट रहती है वो क्लियर करता हूँ, वहीं पर मैं नोट्स अपलोड करूंगा। तो आप चैनल को ज्वाइन करिए और वहीं पर अपने डाउट है तो क्लियर करिए। देन इसके बाद बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, इंटरव्यू। तो अगर पूरे स्टेज आपने क्लियर कर लिया है, एप्टीट्यूड क्लियर हो गया आपका, कोडिंग क्लियर हो गया, देन इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ये बचता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के भी फेजेस हैं। कोई होता है टेक्निकल इंटरव्यू, फिर होता है MR इंटरव्यू, जिसमें बोलते हैं मैनेजरल इंटरव्यू, देन आपका होता है HR इंटरव्यू। HR इंटरव्यू में आप गए तो आपका समझ लो 90% कि आप सिलेक्ट हो, पर ये परसेंट समझ लो कि आप 100% सिलेक्ट, 90% आप सिलेक्ट हो। टेक्निकल इंटरव्यू में आपका कोडिंग स्किल, जो आपने स्किल मेंशन की है रिज्यूमे में, टोटल वही पूछेंगे, प्रोग्रामिंग पूछ लेंगे, सब्जेक्ट जो मेंशन में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। मैनेजर राउंड में वही कि कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अपनी कोई क्वालिटी बताओ, हॉबी बताओ, अपन तुमको क्या पसंद नहीं है, किस टाइप के पर्सन हो, अपने बारे में ही पूछते हैं। देन HR में कंपनी से रिलेटेड, कंपनी की JD रहेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगी, उनके बॉन्ड रहेंगे, ये है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इंट्रोडक्शन, ये वो, क्यों कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, अगर ये वो कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी देते हैं, सिचुएशन देते हैं, तो आपको उस टाइप के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना पड़ता है। तो ये फुल, इसके बाद कोई स्लाइड है क्या, हम चेक कर लेते हैं। अरे ये तो बेस्ट है, सब भूल जाओ, इसको नहीं भूलना। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो कहाँ से मिलेगी और प्लेसमेंट कैसे लगेगी। तो अभी आपने जो PPT देखा, इसमें मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो एप्टीट्यूड कोडिंग के है उसके 50 कोडिंग क्वेश्चन और एप्टीट्यूड का सिलेबस, उसके वीडियोस अब आएंगे, इसके बाद एप्टीट्यूड का ही सिलेबस आएगा। तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें, वहाँ पर मैं अपना अपडेट देता हूँ और स्टूडेंट से भी बात करता हूँ कि किस पे वीडियो बनाना है या फिर उनके क्या डाउट है। और PPT शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि इसको अगर आप, जैसा मैंने बोला है रोड मैप पर, अगर आप उसको उस टाइप से कर लेते हैं तो इजीली आप 7 से 8 से 10 लाख तक की कंपनी उठा सकते हैं। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ,
ये नोट्स मेरे हैं और मैंने भी 10 लाख तक की कंपनी उठाई है, इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूँ। तो अब डरने की कोई बात नहीं है, कोई डाउट मत रखिए प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी, बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करिए, वीडियो को फॉलो करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं धीरे धीरे सब अपडेट दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, हर दिन कुछ ना कुछ मैं कोडिंग क्वेश्चन वहाँ डालता हूँ जिससे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, और वो कोडिंग क्वेश्चन कंपनी में आए वाले ही हैं। और अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है या फिर कोडिंग के रिगार्डिंग या फिर कंपनी के रिगार्डिंग डाउट है, कोडिंग नहीं आती, प्लेसमेंट लगे कि नहीं, इस तरह के डाउट है, तो आप चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे।